नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएफए नेट क्लासेस में। एनएफए की इस क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं ईएमआरएस एग्जाम। ईएमआरएस एग्जाम के जो चाइल्ड पॉक्सो एक्ट एंड चाइल्ड सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट है, उस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। और आज इसी में हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 2006 और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उनको हम पढ़ेंगे और जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो एमसीक्यूज भी हमारे 8 या 10 ही हैं। टॉपिक में डीप ना जाते हुए हम सीधे क्वेश्चंस को लेते हैं और देखते हैं। चलिए प्रश्नों को के माध्यम से देखते हैं इसमें क्या है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006, ये हमारा टॉपिक है पहला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और बलात्श्रम पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 23, ये जो अनुच्छेद 23 है, यह जो है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर, मानव तस्करी और बलात्श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 21, यह क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें से एक टर्म आता है 22(1) में, जिसमें गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी का कारण यथाशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए। 22(1) में एक टर्म है जिसमें अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसकी गिरफ्तारी का कारण उसको यथाशीघ्र देना है, जो कि मानव तस्करी और बलात्श्रम पर है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम के नियोजन को का प्रतिषेध करता है। जो बालक होते हैं उनका कारखानों पर नियोजन नहीं होना चाहिए, यह अनुच्छेद 24 कहता है। अगला प्रश्न है, तस्करी की शिकार महिला के यौन शोषण के लिए वेश्याला में पाए गए व्यक्ति को पहली बार दोषी ठहराए जाने पर क्या सजा है? व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अ पर्सन फाउंड इन ब्रोथेल फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग विक्टिम ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन। अगर कोई व्यक्ति किसी वैश्याला में तस्करी किए हुए महिला का शोषण करते हुए पाया जाता है प्रथम बार में, तो उसको क्या सजा मिलती है? 3 महीने का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना, 3 महीने का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों भी मिल सकता है। ऑप्शन ए एंड बी। ये कब मिलेगा? जब आप फर्स्ट कन्विक्शन में पाए जाते हैं, लेकिन यही अपराध फिर से आप रिपीट करते पाए गए, इसी अपराध पर आप फिर से पकड़े गए, तब आपको कौन सी सजा मिलती है? तब आपको 6 महीने का कारावास और 50,000 का जुर्माना मिलेगा, 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अनैतिक व्यापार रोकथाम इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 2006 के अनुसार कैमरा ट्रायल की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं हो सकता है? तो कैमरा ट्रायल की जो प्रक्रिया है, ये ऐड किया गया संशोधन विधेयक 2006 में। मूल अधिनियम, जो हमारा मूल अधिनियम 1956 का था, मूल अधिनियम का कौन सा था, 1956 का, इसमें यह कैमरा ट्रायल की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं थी। 2006 में इसको ऐड किया गया है और निजता को, जो विक्टिम है उसकी निजता को, प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए इसमें क्या किया गया है, आम जनता को, जो पब्लिक को है, इसको इस ट्रायल में शामिल नहीं किया जा सकता। एक बंद कमरे के अंदर जो ये प्रक्रियाएं हैं, सुनवाई की प्रक्रिया है, एक बंद कमरे में की जाएगी जिसमें आम जनता शामिल नहीं हो सकती, इसमें निजता का ख्याल रखा गया है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है? अनैतिक व्यापार अधिनियम ITPA केवल वेश्यावृत्ति को रोकता है और नियंत्रित करता है, यह वेश्यावृत्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाता है, यह सही है। ITPA एक्ट 2006 के बारे में यह कथन सही है, यह सिर्फ उसको कंट्रोल करता है, इसको रोकने का काम नहीं करता, क्योंकि यह कोई अपराध नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो अधिनियम है, इसके अकॉर्डिंग पूर्ण रूप से अपराध नहीं है इसको, लेकिन कुछ तरीके से कंट्रोल करके रखना चाहिए कुछ एक हिस्सों पर। ITPA अन्य प्रकार की तस्करियों जैसे घरेलू तस्करी, मानव अंग कटाई, बाल श्रम आदि पर भी रोक लगाता है। तो ये जो है ऑप्शन डी हमारा
गलत है। यह आईटीपीए अमेंडमेंट 2006 में सम्मिलित नहीं है और यह सिर्फ वेश्यावृत्ति से में जो औरतों को या फिर महिलाओं की तस्करी की जाती है उससे संबंधित है, बाकी अन्य तस्करियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ब्लू हार्ट अभियान किससे संबंधित है? ब्लू हार्ट अभियान क्या है? तो एक होता है UNODC, मतलब UN ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, ये एक UN की संस्था है और इस संस्था के अंतर्गत मानव तस्करी को रोकने के लिए ब्लू हार्ट कैंपेन चलाया गया था। ब्लू हार्ट कैंपेन UNODC के अंतर्गत चलाया गया था। अब इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कब मनाया जाता है? यह 30 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। 2023 में भी मनाया गया था, 2023 की संस्था 2023 में ये जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिक मनाया गया था, इसका थीम क्या था? इसमें एक थीम था, रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो बिहाइंड, नो वन बिहाइंड, ये इसका थीम था, रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड, ये इसका 2023 का थीम था। अगला प्रश्न है जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित है, प्रश्न है किस वर्ष में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, सॉरी इस एक्ट के अंतर्गत, एक्ट जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 था, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के कमीशन का जो आयोग है उसका गठन किया गया था, कब किया गया था, 2007 में। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, संरक्षण आयोग अधिनियम, ये जो अधिनियम है, एक्ट है, 2005 में बना था और इस 2005 एक्ट के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये जो कमीशन था, बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसे कहते हैं हम हिंदी में NCPCR, इस कमीशन का, इस समिति का गठन 2007 में किया गया था, 2007 में। हमारा सही आंसर कब क्या हो जाएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का गठन कब किया गया था, 2007 में। कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था, क्लियर है। अधिनियम कब बना था, 2005 में, और उसके अंतर्गत आयोग का गठन कब किया गया था, 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में कौन सा सही है, तो ये जो आयोग है इसकी बात हो रही है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, यह गलत है। स्थापना कब हुई थी, 2007 में, आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2007 में। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, यह गलत है। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत यह आता है। यह बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय है, तो हम जानते हैं अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसका गठन हुआ था, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये जो नीचे में है ऑप्शन डी, इसको आप सुधार लेंगे, सही आंसर हमारा ऑप्शन सी। NCPCR के सदस्यों में महिलाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, जैसा कि अधिनियम में उल्लेख है, तो अधिनियम का के अध्याय दो में, अधिनियम के अध्याय दो में के सदस्यों के बारे में उल्लेख किया गया है और उसमें बताया गया है क्लियरली, इसमें जो महिला सदस्यों की, उनकी संख्या कम से कम दो होनी चाहिए, कम से कम दो महिला सदस्य होनी चाहिए, समिति में जो सदस्य होंगे, आयोग में जो सदस्य होंगे उनकी सदस्यों की संख्या जो है छह होगी, जिनमें से कम
दो महिला सदस्य होनी चाहिए, दो महिला सदस्य आपको वहां होनी चाहिए। एनसीपीसीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि विवरण में उल्लेख किया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना। इसको गठित किस लिए किया गया था? बच्चों के जो अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया था 2007 में। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष के बारे में, सदस्यों के बारे में अधिनियम 2005 में, बाल संरक्षण अधिनियम 2005 में उल्लेख है, अध्याय 2 चैप्टर 2 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें क्लियरली यह बताया गया है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जो समिति होगी हमारी, उसमें 6 एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे। इन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिला होगी, कम से कम 2 महिला सदस्य होंगी। 2 से अधिक महिला सदस्य हो सकती हैं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। यह अध्याय 2 में वर्णित है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो 6 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति महिला एवं बाल विकास, जो कि केंद्र सरकार का मंत्रालय है, तो केंद्र सरकार के द्वारा इन 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। और इनका जो एक अध्यक्ष होगा, इसकी नियुक्ति कैसी होगी? 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर। ये जो चयन समिति है 3 सदस्यों की, यह केंद्र सरकार के अधीन महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है उसके अधीन एक समिति बनाई जाएगी 3 सदस्यों की। और यह 3 सदस्यों की समिति सिफारिश करेगी किसकी? बाल आयोग के अध्यक्ष की, तब इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इनके जो 6 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्टली की जा सकती है। क्लियर है? 6 सदस्यों की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, और इसके एक जो अध्यक्ष होंगे उसकी नियुक्ति 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग समिति के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो एक अध्यक्ष जो विख्यात व्यक्ति होगा, जिसने बालकों के कल्याण के संविधान के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो, कम से कम 2 स्त्री सदस्य होंगी, हमने अभी पढ़ा कि कम से कम 2 स्त्री सदस्य अनिवार्य है। एक अध्यक्ष होगा जो कि विख्यात होगा और बालकों के कल्याण के संवर्धन में उसको जानकारी होगी और उसने कोई उत्कृष्ट कार्य होगा इस क्षेत्र में, ये दोनों सत्य हैं। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, ये भी सही है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये जो है गलत है। इसमें सदस्यों का जो कार्यकाल है यह 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का, और कोई भी सदस्य 2 कार्यकाल से ज्यादा इसमें रिपीट नहीं हो पाएगा। मतलब कि वह 2 कार्यकाल तक कर सकता है लगातार, लेकिन वह 3रे कार्यकाल में फिर अपात्र हो जाएगा। और इसकी जो रिटायरमेंट एज होती है 60, इससे पहले होना चाहिए, ये सभी रिटायरमेंट एज में वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। क्लियर? सदस्यों का कार्यकाल क्यों है जो है 3 वर्ष का होगा। पॉक्सो एक्ट एंड चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट, इनमें जो टॉपिक्स हैं उनमें से हमने अभी तक कवर किया 6 टॉपिक को, बाकी के 5 टॉपिक बचते हैं और इनको हम कोशिश करेंगे 1 या 2 वीडियो में कवर करने का, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम MCQs के ही माध्यम से 1 या 2 वीडियो में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।